कर्मचारियों को अभी करना पड़ेगा इंतजार। राज्य सरकार ओपीएस पर केंद्र के अनुसार ले सकती है फैसला। केंद्रीय कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही राज्य कमेटी देगी सरकार को रिपोर्ट। प्रदेश के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की मांग पूरी होगी या नहीं, ये केंद्र सरकार की ओर से गठित कमेटी पर निर्भर करेगा। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार अभी ओपीएस लागू या पेंशन में कोई संशोधन नहीं करेगी, यह केंद्रीय कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करेगी। वित्त विभाग के एक सीनियर आईएएस अधिकारी ने बताया कि जब केंद्र सरकार ने कमेटी बना दी है तो पहले उसका इंतजार किया जाएगा कि वहां क्या रिपोर्ट दी जाती है और उस पर क्या फैसला लिया जाता है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के आंदोलन के बाद ओपीएस को लेकर 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में बनी कमेटी में फाइनेंस अनुराग रस्तोगी व सीएम के प्रधान सचिव वी उमाशंकर भी शामिल हैं। यह कमेटी केंद्र सरकार की कमेटी से पहले गठित की गई थी। इसने कर्मचारियों के साथ 20 फरवरी को पहली और 3 मार्च को दूसरी बैठक की। इसमें कर्मचारियों से न तो उनकी राय जानी गई, यह भी पूछा गया कि ओपीएस और एनपीएस में क्या फ़र्क है, कर्मचारियों को कौन से पैटर्न से कितना नफा और नुकसान है। इस बीच केंद्र सरकार ने फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया जो ओपीएस और एनपीएस को लेकर मूल्यांकन करेगी। केंद्रीय कमेटी के लिए रिपोर्ट देने का समय निर्धारित नहीं किया गया है। ऐसे में प्रदेश के 1,73,000 कर्मचारियों को लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। राज्य में 3,30,000 कर्मचारी हैं जिनमें 1,73,000 कर्मचारी एनपीएस में शामिल हैं। यहाँ भी केंद्र की तर्ज पर फैसला लेने की तैयारी। केंद्र सरकार की ओर से 2004 से पहले जारी विज्ञापन के बाद भर्ती हुए कर्मचारी को ओपीएस एनपीएस का विकल्प दिया है, यानी वे चाहें तो ओपीएस चुन सकते हैं। इसी तर्ज पर हरियाणा में दिसंबर 2005 से पहले जिन भर्तियों का विज्ञापन जारी हुआ लेकिन ज्वाइनिंग इनके बाद हुई, उन्हें ओपीएस में शामिल किया जा सकता है। बताया गया है कि इसके लिए सरकार ने फाइल प्रक्रिया शुरू कर दी है, हालांकि अभी इस पर फैसला होना बाकी है। कर्मी 1 जून से निकालेंगे साइकिल संकल्प यात्रा। ओपीएस की बहाली को लेकर प्रदेश के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों के चंडीगढ़ कूच के दौरान लाठीचार्ज तक हुआ था। 16 अप्रैल को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन के बाद 1 जून को कर्मचारी नारनौल से साइकिल संकल्प यात्रा शुरू करेंगे। ओपीएस बहाली संघर्ष समिति के राज्य प्रधान विजेंद्र धारीवाल का कहना है कि यह यात्रा सभी जिलों से होते हुए 21 जून को चंडीगढ़ पहुंचेगी। वहां राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाएगा, इसके बाद आंदोलन की नई रणनीति बनाई जाएगी।